नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। डाक विभाग में वैकेंसी निकली तो किस जिला में डाक विभाग में पद भरे जा रहे हैं, उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ किस जिले में होम क्वारंटीन के नियमों को और सख्त कर दिया गया है, परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट, 6 अगस्त के बाद जारी दस्तावेज नहीं होंगे मान्य। तो HPU भर्ती मामले के रिगार्डिंग जो बात कही गई है, विश्वविद्यालय के 274 विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म और दस्तावेज ऑडिट करने को समय दिया गया है। 4 से 6 अगस्त तक आवेदनकर्ता अपने लॉगिन आईडी प्रयोग कर दस्तावेज की जांच और अपडेट कर सकते हैं। 2 दिन विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा के पोर्टल को खुला रखा जाएगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि इन पदों के लिए निर्धारित पात्रता शर्त पूरी कर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अटैच करना जरूरी है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, हिमाचली प्रमाण पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच किए गए हों। तो आपके अगर किसी प्रकार का आपने कोई कमी रह गई, आपके फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार का आपने दस्तावेज अटैच नहीं किया, तो आपको कुछ समय दिया गया है, 4 से 6 अगस्त के बीच बीच आप अपने लॉगिन आईडी का प्रयोग कर आप अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए सुविधा की गई है। अगली जो अपडेट आपके लिए, PG और BED परीक्षाएँ सितंबर में। प्रदेश विश्वविद्यालय PG कोर्स की परीक्षाएँ सितंबर में करवाएगा। इन्हीं परीक्षाओं के साथ ही HPU VED के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी करवाने जा रहा है। UG परीक्षाएं समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय इन दोनों परीक्षाओं को भी करवा सकता है। यदि BED परीक्षा सितंबर माह में होती है तो प्रशिक्षुओं को की डिग्री है जो वो करीब 2 से 2.5 माह की देरी से पूरी हो सकेगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्री प्राइमरी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मंडी जिला प्रदेश भर में अव्वल। प्री प्राइमरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मंडी जिला प्रदेश में टॉप पर रहा। 25 से 31 जुलाई तक एक सप्ताह में जिले में 1072 नौनिहालों का दाखिला हुआ है। प्रदेश में अभी तक 5898 नौनिहालों का दाखिला हो चुका है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सूबे में 3840 प्राथमिक स्कूलों में शुरू की गई प्री प्राइमरी कक्षाओं में इनरोलमेंट को लेकर गूगल लिंक फॉर्मेट के माध्यम से बच्चों के दाखिले को लेकर अभियान चलाया गया है। कोरोना के चलते स्कूल बंद होने से प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नौनिहालों की एनरोलमेंट को लेकर गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू की है। तो ये भी कोई GK का प्रश्न बन सकता है आपका, वैसे भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको जानना जरूरी था। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, अभिभावकों से पूछेंगे स्कूल खोलें या नहीं, शिक्षक करेंगे EPTM। तो देखिए, जो भी इस वीडियो को कोई भी अभिभावक देख रहा होगा तो भैया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी राय क्या है, कि स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 3 में सरकारी स्कूलों को खोलने और बंद रखने की जिम्मेदारी अभिभावकों के कंधों पर आ गई है। एक अभियान के तहत शिक्षा विभाग अभिभावकों के साथ EPTM मीटिंग करेगा, यानी कि ऑनलाइन PTM इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन PTM मीटिंग करेगा। इसमें अभिभावकों से बात कर शिक्षक स्कूल खोलने या बंद रखने पर उनकी राय लेंगे। विभाग जे अभियान 4 से 7 अगस्त तक चलाएगा। शिक्षक अभिभावकों से कम 20 मिनट तक बात करेंगे। अभिभावकों से पूछा जाएगा कि अनलॉक 3 में वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर अभिभावक तैयार हैं तो शिक्षक उन्हें बताएंगे कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन अपनी ओर से पूरे इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही देखिए, और अभिभावकों से क्या राय ली जाएगी। तो ऑनलाइन शिक्षा सामग्री घटाने या बढ़ाने के बारे में भी पूछा जाएगा। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन इस संबंध में शिक्षक अभिभावकों से भी राय लेंगे कि वे ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षण सामग्री से संतुष्ट हैं। अगर नहीं तो वे शिक्षण सामग्री को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें कटौती चाहते हैं। तो ये राय भी अभिभावकों से ली जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए, डाक विभाग में वैकेंसी निकली है तो किस डिस्ट्रिक्ट में और किस इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इस खबर को बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर है तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। डाक मंडल ऊना द्वारा डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा के डायरेक्ट एजेंट एवं फील्ड ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए, पोस्ट का नाम फील्ड ऑफिसर और डायरेक्ट एजेंट। इस बारे में जानकारी देते हुए अधीक्षक डाकघर ऊना
मंडल रामतीर्थ शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन 17 अगस्त 2020 साय 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट एजेंट के आवेदकों के लिए आयु 18 से 50 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है, जबकि फील्ड ऑफिसर के पद सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भरे जाएंगे। तो देखिए, इसको जो फील्ड ऑफिसर है वो तो जो डाक विभाग के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हीं से भरे जाएंगे। आप किसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट एजेंट के लिए, उसके लिए जो आयु सीमा 18 से 50 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है, और फील्ड ऑफिसर के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक को आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं पता लिखा लिफाफा जिस पर ₹41 की डाक टिकट लगाकर भेजना अनिवार्य होगा। आवेदक वर्तमान में किसी और कंपनी का एजेंट नहीं होना चाहिए। आवेदक फॉर्म अपने नज़दीकी डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो आवेदन जो फॉर्म है वो आप नज़दीकी डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में डाकघर अधीक्षक ऊना के दूरभाष नंबर, तो जो नंबर दे रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे भी आप संपर्क कर आप मदद ले सकते हैं। अगली जो अपडेट है, गाय का गोबर खरीदेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर कुछ इस तरह बेचने का है प्लान। सीएम जयराम ठाकुर ने आज जहां पशुपालन विभाग की गो सदन, गौशाला और गो अभ्यारण्य योजना को सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 2 के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि 1.5 साल के भीतर हिमाचल को देश का बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य के 7 जिलों में 7 गाय अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही क्रियाशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग गो अभ्यारण्यों से गाय का गोबर खरीदेगा और किसानों को केंचुआ खाद के रूप में बेचा जाएगा। गो अभ्यारण्य क्षेत्रों में चारे के पेड़ लगाने के भी प्रयास किए जाएंगे ताकि गायों को हरा चारा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साल में 2 बार मवेशियों का मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही देखिए, प्रति गाय हर माह मिलेंगे ₹500 की सहायता राशि। तो देखिए किनको दी जाएगी जो सहायता राशि, तो देखिए आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भी गौशाला है जिनके पास 30 या इससे अधिक गौएं हैं, तो भी कोई भी जो बेसहारा गाय को अडॉप्ट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उन्हें प्रति गाय ₹500 प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये भी एक योजना चलाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट के साथ। कांगड़ा में सख्त हुआ होम क्वारंटीन लोगों पर पहरा, फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित। जिला कांगड़ा में होम क्वारंटीन लोगों पर पहरा सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने एक 3 स्तरीय निगरानी सिस्टम तैयार किया है। इसमें SDM की अध्यक्षता में फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में BDO व शहरी क्षेत्रों में SDM की अगुवाई में औचक निरीक्षण करेगा। तो कांगड़ा से जो भी बाहरी राज्यों से व्यक्ति आएंगे, उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि होम क्वारंटीन जंप कर लोग अपने परिवार या दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उनके जो होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि उन्हें कहा गया कि 14 दिन तक आप घर में रहेंगे, इसके बावजूद वो बाहर घूम रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अब अगर कोई ऐसा बाहर घूमता पाया गया जिसे होम क्वारंटीन रखा गया हो, तो उस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। कमज़ोर हुआ मानसून, 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, कहीं कहीं बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। सोमवार को अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को कुछ जगह बारिश होने की संभावना जताई है। पूरे प्रदेश में 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। तो खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है 9 अगस्त तक। तो देखिए, आपको जो कोरोना अपडेट, हर कोरोना अपडेट की वीडियो आपको शाम को प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद देखिए, एक नया केस हिमाचल प्रदेश में सामने आया है ऊना डिस्ट्रिक्ट से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊना विजिलेंस का सब इंस्पेक्टर निकला कोरोना पॉजिटिव, ASP सहित 20 को क्वारंटीन किया गया। पंजाब के खरड़ में विजिलेंस विभाग ऊना में तैनात सब इंस्पेक्टर पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते विजिलेंस कार्यालय ऊना में सेवाएं दे रहे ASP सहित करीब 20 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कर दिया है। सभी कर्मियों के कुछ दिन बाद COVID-19 जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। इसी के साथ विजिलेंस कार्यालय को अगले निर्देश तक ना केवल बंद कर दिया गया है बल्कि सैनिटाइज भी करवा दिया गया है। तो अगर इस मामले को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 71 मामले
देखने को पिछले कल सामने आए। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो वीडियो महत्वपूर्ण लगे होगी, सारी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस जानकारी को ज़्यादा से दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।